ਇਹ ਲੋਕ ਵਾਪਸੀ ਤੁਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾਕ ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਫੌਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਬਸ ਹਜ਼ਰਤ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਖੜਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਦੀਸ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਚੁੰਕੇ ਚੁਨਾਚੇ ਇਹ ਵੋ ਕਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਮਸਲਾ ਸਮਝਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਤ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਆ ਗਿਆ ਰੱਬ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖੜਾਕ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਮੁਨਕਰ ਨਕੀਰ ਆ ਗਏ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ ਮਨ ਨਬੀਓ ਕਾ ਨਬੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਕੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੇਰੀ ਤਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬੀ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਹਟ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦਿਓ ਉੱਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਨਮ ਕਨੋ ਮਤਲੋ ਰੂਸ ਇਹਨੂੰ ਸੁਆ ਦਿਓ ਨਈ ਨਵੇਲੀ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਆ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਜੰਨਤ ਦਾ ਇਹਦਾ ਓੜਨਾ ਜੰਨਤ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਜੰਨਤ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਤਹੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਖੁੱਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ 14ਵੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਚੰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬਿਲਾ ਤਾਖੀਰ ਦਾਵਤ ਖਿਤਾਬ ਕੇ ਲੀਏ ਬੁਲਬੁਲੇ ਕੁਰਾਨ ਵਾਜ਼ੇ ਸ਼ੀਰੇ ਬਿਆਨ ਮਹਿਬੂਬੇ ਆਵਾਮ ਖਤੀਬੇ ਆਵਾਮ ਜਨਾਬ ਕਾਰੀ ਉਲ ਕੁਰਾਨ ਕਾਰੀ ਇਸਮਾਈਲ ਅਤੀਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵਿਹਾੜੀ ਉਨਕਾ ਖਿਤਾਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਰੂਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੇ ਹੋਗਾ ਤੋ ਜਨਾਬ ਸਭੀ ਭਾਈਓ ਸੇ ਮੇਰੀ ਇਲਤਮਾਸ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਰੇ ਛੋੜੇ ਆਗੇ ਆਏ ਗੁਡਰੋਂ ਕੋ ਛੋੜੇ ਆਗੇ ਆਏ ਤੋ ਆਪਕੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੁਸਤੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਰਾ ਲਗਾਤੇ ਹੈ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਅਜ਼ਮਤ ਮੁਸਤਫਾ ਅਜ਼ਮਤ ਸਹਾਬਾ ਅਜ਼ਮਤ ਕੁਰਾਨ ਜਨਾਬ ਉਲਾਮਾਏ ਅਹਲੇ ਹਦੀਸ ਕਾਰੀ ਇਸਮਾਈਲ ਅਤੀਕ ਸਾਹਿਬ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ-ਰਹਿਮਾਨਿਰ-ਰਹੀਮ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون کدے اے وی بہ کے سوچائی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے ਕੁੱਲੁ ਮਨ ਅਲੈਹਾ ਫਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ੇਨ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਗਈ ਏ ਇੰਜ ਕੋਠੀਆਂ ਯਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖੂਬ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਲੱਤਾਂ ਯਾਰ ਜਮਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਦ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੈ ਲਈਏ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਿਆਈ ਬਾਕੀ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਏ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ
हमदान सनावा किबरियाई बड़ाई तारीफात अल्लाह वहदहु ला शरीक दी जात वास्ते है। बेशुमार लातादाद बेहद्दो हिसाब दरूदो सलाम इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जात अक्दस ते। प्यारे भाइयों, बाद नमाज इशा अज दा प्रोग्राम मोहतरम भाई मुहम्मद यासीन साहब उमरे की सआदत तो बाद दोबारा घर तशरीफ ले आए ने और दो मरतबा अल्लाह पाक ने मक्का मदीना इन शहरों की जियारत उमरे की सआदत नसीब फरमाई है। अल्लाह पाक भाई यासीन साहब दियाँ उत्थे मंगियां दुआवां इबादत तवाफ अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए और रब्बुल आलमीन सानू भी हिम्मत तौफीक दे को सबब अल्लाह पाक लगाए कि असा भी बार बार मक्के मदीने की जियारत करिए। आमीन को आमीन। फैमिली समेत गए, फैमिली दे अफराद बहना बेटियां भाई जो जो उम्रे की सआदत तो वापसी आए ने अल्लाह पाक सबना ते राजी हो जाए। इस मस्जिद अंदर जितने बुजुर्ग भाई बेटियां बहना तशरीफ फरमा अल्लाह पाक सबना नू मक्का मदीना हज उम्रे की सआदत नसीब फरमाए। भाई यासीन साहब जरा आ जाओ, करीब आ जाओ, साढ़े स्टेज दे इत्थे आ जाओ। मोहतरम भाई हाजी मुहम्मद याहिया साहब मस्जिद इंतजामिया जमाती नमाजी बुजुर्ग आलम दीन मौलाना सैयद अब्दुल गनी शाह साहब मुंडा पिंड तो, मोहतरम भाई खलीलुर रहमान दियो साहब सठियाले तो, साढ़े मोहतरम भाई शुएब गिल साहब, भाई शुएब दे वालदे मोहतरम बीमार ने, दिल का बाईपास हो गया, बाईपास हो गया है। अल्लाह पाक बुजुर्गों नूं मुकम्मल तंदुरुस्ती दे, शिफाए कामला आजला अता फरमाए। जिन जिन भाइयों के वालदैन बीमार ने अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे, जिन्हां दे वालदैन दुनिया तो तुर गए अल्लाह पाक आखरत दियां मंजिलां आसान फरमाए। अगर तुहाडी तवज्जो है गोडे छड़ दिओ, मेरी तरफ वेखो, इंशाअल्लाह बहुत ही लंबी चौड़ी गल नहीं, मुख्तसर टाइम अंदर चंद बातां, लेकिन सारियां बातां तुहानू याद कराना चाहते हैं कोई आखरत की तैयारी के हवाले नाल। अल्लाह करे रब्बुल आलमीन आखरत दियां मंजिलां साढ़े वास्ते आसान कर देवे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों बंदा फौत होएगा ना आखिरी अमल ते, जिस अमल ते फौत होया उस अमल ते उन्हें उठाया जाना है, अगे उनका अंजाम भी उस अमल ते होएगा। अगर अच्छे अमाल नेक अमाल करता दुनिया तो गया, कलमा पढ़ता दुनिया तो गया, इधर रूह निकलेगी उधर जन्नत दे अठे दरवाजे खुल जाएंगे। मेरी गल समझ आ रही है? ते जेड़ा बंदा मरना, हर इंसान ने कोई मुस्तकिल इत्थे हमेशा रहन वास्ते आया नहीं। शैतान चाहुंदा है कि बंदा मुर्तद होके मरे, बेईमान होके मरे, मुशरक होके मरे। शैतान की कोशिश है बंदा नमाजी है ये नेक आखिरी वेले इंज दा काम कर जाए कि इधर रूह निकले उधर जहन्नम दा बालन बन जाए। अस्तगफिरुल्लाह माज़र है। शैतान बंदे दा दुश्मन ते पिछा मूल ना छोड़े, जमदियां ता मरदियां ताई वैरू मुख ना मोड़े। शैतान की कोशिश है के आखिरी वेले बंदा मुर्तद होके मरे। ध्यान मेरी तरफ रखे जे,
खुदा दी कसम ए बाबे सियाने ये मेरी गल ना इतफाक करनगे, बड़े बड़े लोग इंज दे गुजरे ने जिंदगी अंदर मुलाकात अखां दा मंजर वेखे, अपनी जिंदगी अंदर गंदी मक्खी मच्छर जिसम ते नहीं बहन देंदे, बड़े नफीस तनीन उमदा जिंदगी गुजारन वाले, आखरी वक्त आया है गंदिया नालिया गटरां विचों गंद कड के खा रहे होंदे ने, इसे हाल अंदर ही मर गए। दुआ करो अल्लाह पाक मेरी तुहाडी सबना दी अखीर चंगी कर दे। मुअद्दिसीन आंदे ने एक बंदा आखरी वेले मौत दी सख्ती लगी ते एक बंदा कुराने पाक लेके आ गया, फौत होने वाला पूरी जिंदगी कुरान पढ़न वाला, ते जिहड़ा कुरान लेके आया ना आंदा कुरान ने पाक पढ़ लै कोई दो आयतां पढ़ लै, आखिरी वेला आंदा लै जा इस किताब नूं, एक किताब झूठी अस्तगफिरुल्लाह, इनू नाजल करन वाला झूठा अस्तगफिरुल्लाह, लैके आन वाला झूठा, जिंदे ते नाजल होया वह भी झूठा अस्तगफिरुल्लाह माज़ अल्लाह, शैतान दा वार चल गया, इसे हाल अंदर मुर्तद होके बेईमान होके मर गया, जहन्नम दा बालन बन गया। मुहद्दिसीन आंदे ने आखिरी वक्त जदों सकारात लगी होए बंदे नूं प्यास बड़ी लगती है, शैतान आ जांदा है, उस वक्त बंदा बेबस होंदा बोल नहीं सकता, हजरात सामने वाली डोर टुटन लगी है, शैतान बंदे का दिल करता है अगर समुंदर नहर भी मेरे सामने आए तो मैं उनका भी पानी पी जावा, शैतान आके आंदा पानी मैं तेनों पिला दांगा लेकिन गल लिख के सजदा मैनू कर ले, फिर खुद ही शैतान कहता है तू सजदा नहीं कर सकता बोल नहीं सकता, अखां दे इशारे नाल सजदा कर ले, मैं रब का बड़ा प्यारा ते महबूब हाँ, अगे भी तेनू बचा लांगा ए पानी भी तेनू पिया लांगा, वह बंदा अखां दे इशारियां नाल सजदा करता है, शैतान पानी भी गैब कर देता है आप भी गैब हो जाता है, मुशरक हो गया वह बंदा बेईमान हो गया, इस हाल अंदर मर गया, जहन्नम का बालन बन जाएगा। नमाज़े जनाजा अंदर नबी पाक ने एक दुआ सिखलाई है, वमन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़ाहु अलल ईमान, या अल्लाह जिंदगी इस्लाम वाली मौत, सब तू पहले हजरत यूसुफ नबी ने दुआ की थी, तवफ़नी मुसलमन व अलहिकनी बिसाले हीन, या अल्लाह जदों मैनू मौत देवें ते दीने इस्लाम ते देवी, वैसे मौत मंगना मना है, अच्छी कामयाबी वाली मौत नेक मौत मंगना नबी पाक दी सुन्नत और तालीमात है। अल्लाह पाक दे कुरान ने गल दसी है, अल्लाह पाक फरमा रहे ने हक्का तो काते ही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, रब ने एक फिक्र दिती है लोगो रब को डर जाओ, जो तुहानू मौत आए ते दीने इस्लाम ते होवो, दीने इस्लाम ते फरमा बरदार मुसलमान होवो जो तुहानू मौत आए, अखीर बंदे दी चंगी हो जाए खुदा दी कसम आखरत दी मंजिल आसान हो जाएगी, आखरी अमल ते उठाया जाना है। आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंदी ने बेस थोड़ी जी घट करके प्यारे भाई सादी आवाज खोलो जरा, आखिरी वक्त जदों बंदे नूं मौत आ रही होए उन्दे करीब बैण वाले पढ़िया करन ला इलाहा इल्लल्लाह, जड़े आसे पासे बैठे ने ना वो पढ़न, मरण वाले ने यह नहीं कहना कलमा पढ़ ओ तू कलमा पढ़, इंज नहीं कहना, क्यों हुजूर फरमांदे ने मौत दी वजह नाल सख्ती और बंदा तकलीफ अंदर हुंदा है, अगर ऊपर वाले कहन उन्हों कलमा पढ़ कलमा पढ़ो कभी बड़े दफा हो कलमा पढ़ नहीं मैं पढ़ना, जे उन्दे को तकलीफ दी वजह नाल ए जुमले निकल गए समझो बंदा मुर्तद हो गया, मेरी गल समझ आ रही, ओनू नहीं कहना के तू पढ़,
बल्कि खुद कलमा पढ़ना है ताकि तुहाडी जबान विचों कलमा सुन के फौत होण वाला अगर तुहाडे नाल नाल उन्हें कलमा पढ़ लिया इधर रूह निकली खुदा दी कसम अल्लाह पाक उधर जन्नत दे अठे दरवाजे खोल देवेगा। जदों आखरी आवे सा अल्लाह असा पढ़दे होइए ला इलाहा इल्लल्लाह साडी लगी तोड़ निभा अल्लाह सानू फकत सहारा तेरा ए मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा इस जग विच इकोई फेरा ए इथों नजर बचा के तुर चलिए अगे सफर बड़ा लंबे राए कबरां दे ढेर उचेरे ने दस थले वसदे केड़े ने कुछ तेरे ने कुछ मेरे ने ए दो जगदा बसेरा ए मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा इस जग विच कोई फेरा ए बच्चे रोंदे अपनिया मावां नू मावां दियां ठंडियां छावां नू नहीं रहना महल मिनारा ने मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा इस जग विच कोई फेरा ए माशाल्लाह माशाल्लाह वालेकुम सलाम। खतीबे इस्लाम महबूबे आवाम हजरत मौलाना हाफिज इनामुल्ला उस्मानी साहब तशरीफ ला चुके ने। अल्लाह पाक हजरत हाफिज साहब दा आना तुसा हबाब दा आना मिल बैठना मुआविनीन दा प्रोग्राम करवाना अल्लाह पाक अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। मैं गुजारिश कर रहा वहां बल तो सरून अल हयात दुनिया वल आखिरत खैरुन व अबका। हजरत बरा बिन आसिफ रजी अल्लाह तआला नो नबी पाक दे सहाबी बयान करते ने। एक दिन नबी पाक ने एक अंसारी सहाबी का नमाजे जनाजा पढ़ाया। जनाजा पढ़ना एक बहुत बड़े पहाड़ जितना अजरो सवाब ते जड़ा कब्रस्तान नाल जाए दोवां पहाड़ा जितना सवाब। मुर्शद पाक ने जनाजा पढ़ाया मेरे पाक पैगंबर कब्रस्तान नाल चले जाते ने ते कबर नू अजे थोड़ी कु देर ध्यान करो मेरी तरफ वेखो कबर नू थोड़ी कु देर चंद नबी पाक दे सहाबा कबर दी तैयारी अंदर मसरूफ ने। आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्शद पाक कबर दे एक पासे हो के थोड़ा को हट के बह गए ते नबी पाक दा चेहरा बैतुल्ला दी तरफ है। चेहरा बैतुल्ला की तरफ आप जमीन ते बह गए दाएं बाएं नबी पाक दे सहाबा ने। मुर्शद पाक ने एक छड़ी लकड़ी हाथ अंदर पकड़ी हुई है ते मेरे आका नीवी पा के बैठे ने अपने सामने उस जमीन नु कुरेद दे पे ने। सन्नाटा जाए सहाबा चुप बैठे नबी पाक जमीन नू कुरेदी जांदे मट्टी नू कुरेदे ने पे। थोड़ी देर बाद नबी पाक ने नजरां उतार चुकियां बराबे नाजी बयान करदे ने मेरी नजर पई ते मुर्शद पाक रोंदे ने पे।
आप दियां अखां विचों त्रिप त्रिप आंसू डुलदे ने पे, दाड़ी चू हो के जमीन ते डिगदे ने पे। तीन मरतबा नबी पाक ने आसमान की तरफ देखिया, तीन मरतबा फिर नीचे देखिया। आका फरमांदे ने सहाबियो अजाबे कबर तो पना मंगो, हमेशा अजाबे कबर तो पना मंगया करो। फिर तीन मरतबा आका फरमांदे ने अल्लाहुम्मा इन्नी औजु बिका मिन अजाबिल कबर, अल्लाहुम्मा इन्नी औजु बिका मिन अजाबिल कबर। तीन मरतबा नबी पाक ने अजाबे कबर तो पना मंगी। मुर्शद पाक रोन लग पे, इतने रोए, मैनू अल्लाह पाक दी इज्जत दी कसम है जवानो, बाबेओ आंसू जमीन ते डिगदे ने पे, सामणे मेरे आका जमीन कुरेदे ने पे। उते आंसू गिर गिर के जमीन नबी पाक दे आंसुआं नाल गिल्ली हो जांदी है। इतने आका रोए, फिर मुर्शद पाक ने गल शुरू कर दिती। बरा बिन आज़िब रसी अल्लाह ताला नो बयान करते ने, आका ने फरमाया सहाबियो जदों कोई नेक बंदा ईमान वाला फौत हुंदा, पहले नेक बंदे दी मौत दा तज़करा कीता, फिर गुनागार ना फरमान ते बागी बंदे दी मौत दा नबी पाक ने तज़करा कीता। गल लंबी है, आका फरमांदे ने जदों कोई अल्लाह वाला नेक बंदा फौत हुंदा, आसमान तो जन्नत दे फरिश्ते सफेद चेहरियां वाले, सूरज चांद दी तरह रोशन चेहरे, जन्नती हुल्ले लिबास लैके फौत होण वाले दे दूर हट के बह जांदे ने। मलकुल मौत जदों रूह निकालन लगदा है, इस फौत होण वाले ते मलकुल मौत करीब आउंदा है, ए जन्नत वाले जितने मलाइका फरिश्ते आए, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए फरिश्ते करीब आके सराहने बह जांदे ने। ते जेड़ा बंदा सौमो सलात दा पाबंद, अल्लाह औरों दे रसूल दी ताबेदारी अंदर जिंदगी गुजारदा है, मलकुल मौत इंदी जदों रूह कटदा है, अंदाज क्या है? आका फरमांदे ने जिवें मशकीजे दा मुंह खोल दियो, पानी दा कतरा फौरन आसानी ना निकल जांदा है। मोमन बंदे ईमान वाले इन्हां दियां रूहां इंज फौरन निकल जाणगियां, इधर रूह निकली उधर फौरन जन्नत वाले फरिश्ते जन्नती हुल्ले लिबास अंदर इंदी रूह नूं लपेट के आसमाना दी तरफ तुर पैणगे। आका फरमांदे ने जमीन दी जड़ी कस्तूरी है, कस्तूरी नालों ज्यादा इंदी रूह विचों खुशबुआं दे हुल्ले आउंदे होणगे। जिथों जिथों लंघते जा रहे मलाइका फरिश्ते पुछदे ने कौन है, दसिया फलां बिन फलाए रहमत बख्शिश दियां दुआवां, इज्जत और प्रोटोकॉल दिता जांदा है। पहला आसमान दरवाजा खुल जांदा है, पहले आसमान दे फरिश्ते अहलन व सहलन जी आया नूं मरहबा खुश आमदीद कहिंदे ने। सुनो नौजवानों बुजुर्गो जरा ध्यान न सुनिया जे, इथों पहले आसमान दे फरिश्ते दूजे आसमान तक इंदी रूह नूं अलविदा करन वास्ते जांदे ने, फिर दूसरे आसमान वाले, फिर तीजे आसमान वाले आंदे ने खुशबू आ रही, ए कौन अल्लाह वाला है, इंदे तज़करे हो रहे फलां बिन फलाए, ए फलां बिन फलाए। इसे तरह हजरात सातों आसमान, हजरात जदों सातवें आसमान ते रूह चली जाती है, अल्लाह पाक दे मलाइका फरिश्ते आर्डर हुंदा है इनू इलिशीन दे अंदर दर्ज कर दिता जाए। इलिशीन हजरात ए अल्लाह पाक
अपने के बंदे जेड़े रब दा कुरब हासिल करन वाले उन्हां दी लिस्ट अंदर इंदा नाम लिख देंदा है। इंदी रूह नूं फिर दोबारा लुटा दिता जांदा है। उधर कफनो दफन दा इंतजाम हो रहा हुंदा है। हजरात गौर करना ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चूंकि इन्हें कुछ मंजर वेख लिया अंजाम दी खबर मिल गई हुणे वरासा नूं कहिंदा जल्दी करो देर ना करो अंजाम मेरा अच्छा है इज्जत मुकाम बड़ा मिल रहा है ते जल्दी करो जनाजा पढ़ के मैनू कबर अंदर दफन कर दियो। ईमान वाले दी रूह इस अंदाज नाल कह रहे जल्दी करो जल्दी करो। और दूजी रवायत इत्थे मैं नाल मिलान लगा वा इस रवायत दे रावी अबू हुरैरा ने रज़ी अल्लाहु तआला नो ए सिक्के बंद रवायत हजरात जदों ये पहले दूजे तीजे आसमान ते जांदा है उत्थे इंदे करीबी फौत होण वाले रिश्तेदार पहलियां रूहां दे नाल अल्लाह पाक मुलाकात करवा देंदा है। बुखारी अंदर लिखे है मेरे आका फरमांदे ने बेटी ये फातिमा मैं तेरा बाबा जा रहा मेरे बाद मेरे खानदान विचों सब तू पहला तू आके जन्नत अंदर मैनू मिलेंगी। और भी काफी दलायल ने ईमान वाले जड़े फौत हो जाते ने पहले जान वाले भी ने कौन उत्थे आपस अंदर अल्लाह पाक रिश्तेदार अजीज़ो अकारब दी मुलाकात करवा देंदा है। ये जदों अल्लाह वाला उत्थे पहलियां रूहां नेक रूहां नाल मुलाकात करदा है वो पहले पहुंचण वाले आंदे ने भी की हाल है सुना फलां दा की हाल है ते वो दसदा है वो अजे जीउंदा है दुनिया ते अच्छा ठीक है ए राजी हुंदे ने अच्छा फलां बंदे दा की हाल है अपने नाल बैंदा उठदा सी। नसाई दी रवायत अंदर मजीद हजरात तफसील बयान होई है ओ फलां बंदे दा की हाल है ते ए बाद अंदर जान वाली नेक रूह पहलियां रूहां नूं उत्थे जाके दसदा है कि ओ फलां बंदा ते मेरे नालों भी पहले आ गया इत्थे नहीं आया। इमामे कायनात फरमांदे पहलियां रूहां बाद वाली रूह आंदी ओ ते आ गए हुण आपस अंदर गल्लां करदियां गमजदा परेशान हो जांदे आंदे ने ओ इत्थे नहीं आए लगदा दूजे पासे यानी जहन्नम दा बालण बन गए ने। अस्तगफिरुल्लाह मैं अर्ज करना चाहना अल्लाह पाक इली जीन अंदर नाम लेके रूह नू वापसी लुटा देंदा है। इधर जनाजा जनाजे दे बाद हजरात कब्रस्तान दे अंदर जदों लेके जाया जांदा कब्र दे अंदर दफन करके मट्टी पा दिती जाए ऐ सुनो जरा ध्यान नाल तीन भुक मट्टी पाना सुन्नत कब्र कच्ची होए लहद वाली होए या सादा होए कच्चियां कब्रां दे नाल कच्चियां ईंटां नाल बंद करना सुन्नत है। मर्द वास्ते कफन दे तीन कपड़े औरत वास्ते कफन दे पांच कपड़े मुहद्दिसीन आंदे ने जिवें दुनिया दी जिंदगी अंदर औरत लई बहुते कपड़े अंदर ढांपी हुंदी है फौत होण दे बाद भी बहुते कपड़े बाज आंदे ने नहीं 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 मर्दां वास्ते तीन कपड़े औरतां वास्ते भी तीन कपड़े मजबूरी होए ते मर्द वास्ते एक कपड़ा काफी है। बुखारी अंदर लिखे है हजरत अमीर हमजा मुसब बिन मेर नो एक ही चादर अंदर कफन पहना के दफन कर दिता गया अगर औरत दी लाश होए कम अज कम दो कपड़े ऐ सुनो जरा ध्यान नाल जदो कबर अंदर मोमन बंदे नो दफन करके वापसी लोग आउंदे ने ए लोग वापसी तुरदे इना दे पैरां दे खड़ाक ए मुर्दा फौत होण वाला कबर अंदर सुनाई देंदा है सुन लैंदा है। बस हजरात गल सुनिया जे मेरे आका ने पैरां दे खड़ाक दा नाम लिया उत्थे लोग गल्लां बातां भी कर रहे हुंदे और कोई बात दा जिक्र हदीस अंदर नहीं आया। हजरात चूंके चुनाचे ये वो कहन नालों मसला समझना बेहतर है जिस बात दा तज़करा आ गया रब ये वापसी जान
वाले लोगों के पैरों की खड़ाक इनू सुना देंदा है, बाकी बातें नहीं सुनांदा, ये रब की कुदरत है। इनू उठा के बिठा लिया गया, मुनकर नकीर आ गए, अल्लाह पाक दे भेजे हुए फरिश्ते आ गए, आके आंदे ने दस तेरा रब कौन है, मन नबी ओ का नबी कौन है, तेरा दीन की है। हजरात मेरी तरफ वेखे आ जे, ये कहंदा रब्बी अल्लाह नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन अली सलाम। जदों सवालों के जवाब दे ले, एक रवायत अंदर आंदा है, ये कहेगा हट जाओ, मेरी असर की नमाज जाया हो रही है, मैनू नमाज पढ़ लैन दियो। उत्तों आवाज आएगी, नम कनो मतलूरूस, इनू सुहा दियो नई नवेली दुल्हन की नींद की तरह, इनू सुहा दियो, इंदा बिछाउणा जन्नत दा, इंदा ओढ़ना जन्नत दा, बिस्तर जन्नत दा, जन्नत की खिड़की खोल दिती जाएगी, इंदी कब्र तहते निगाह खुली कर दिती जाएगी, इंदी कब्र नू चौदहवीं रात दे चन्न दी तरह रोशन कर दिता जाएगा। ए ईमान वाला मोमन बंदा हजरा, जेड़ा अल्लाह रूं दे रसूल दी ताबेदारी अंदर जिंदगी गुजारण वाला, आमीना दे लाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी कैफियत बयान की थी। इत्थे मैं बुखारी दी एक रवायत सुना लगा, मेरी तरफ देखना। एक दिन जगां दी पीर घर दे अंदर तशरीफ फरमाने, ए सहीहुल बुखारी है, आसमान तू जिब्राईल आया, जिब्राईल आके आंदा सुनियो अज कोई बंदा तुहाडा सहाबी कोई नेक बंदा फौत होया है, उंदियां शानां बड़ियां ने, उंदा मुकाम बड़ा है, बंदा ने के कोई अल्लाह वाला है, बंदा फौत हो गया है, ए महबूबा अल्लाह पाक दे आसमान दे सारे दरवाजे खोल दिते गए ने, अल्लाह पाक दा अरश झूम उठे आए, ए खबरां जिब्राईल आके दे रहा, अल्लाह पाक दा अरश झूम उठे आए, आसमान दे दरवाजे खोल दिते गए। सुने हो तुहानू पता है वह बंदा कौन फौत होया है? आका फरमाते ने जिब्राईल अजे मैनू पता नहीं लगा। जिब्राईल आंदा सोने वाला पता करवाओ बंदा कौन है। आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राईल दा पैगाम सुन के जल्दी नाल बाहर आए। आका फरमांदे ने सहाबियो सहाबियो जल्दी करो, पता करो मेरा केड़ा गुलाम फौत होया है, कौन फौत होया है, कौन फौत होया है। अल्लाह पाक दा अरश भी झूम उठे है, आसमान दे दरवाजे भी खुल गए ने, कौन फौत होया पता करो। सहाबा दौड़ पे मालूमात करते ने पे, मेरे आका नू पता ही नहीं। एक सहाबी आया, आके आंदा सुनियो अंसारी सहाबी जिंदा नाम साद बिन मुआज़ है, रज़ी अल्लाहु ताला नो बुखारी अंदर लिखे है, साद बिन मुआज़ फौत हो गए ने, ते मेरे पाक पैगंबर दियां अखां चूं आंसू डुल पे। ओ वीरे ओ साद बिन मुआज़ कौन है? मैनू अल्लाह पाक दी इज्जत दी कसम है, जिवें मुहाजर सहाबा दे अंदर अबू बकर सिद्दीक दी शान है, मुहद्दिसीन आंदे ने अंसार सहाबा दे अंदर साद बिन मुआज़ दियां उंज शानां ने, जिवें मुहाजर सहाबा दे अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक दी अजमत शान है, अंसार सहाबा दे अंदर हजरत साद बिन मुआज़ दी अजमत है। इतनियां शाना अजमतां वाला सहाबियां दा सुनियो साद बिन मुआज़ फौत हो गया है, ते मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने सहाबियो जल्दी करो, दौड़ पवो, भज पवो, नस पवो, गुसल जाके असां देना है। इंज ना ओए आसमान तू नूरी आके फरिश्ते आके साद बिन मुआज़ नू पहले गुसल दे जान, दौड़ पवो। बुखारी अंदर लिखे हैं, इत्थे नबी पाक ने फरमाया जंगे ओहद अंदर साडे तू पहला हंजला नू आसमान तू नूरी आके मलाइका फरिश्ते गुसल दे गए, ओ सबकत लै गए। आका फरमांदे ने सहाबियो देर ना करो, जल्दी करो, दौड़ा लगा दियो, आज फरिश्ते
फरिश्तियां नालों पहले असा पहुंचना है। आज उन्होंने सबकत नहीं ले जान देनी, साध बिन मुआज नूं असा गुसल देना है, साध नूं असा गुसल देना है। सहाबा बयान करते नबी पाक ने आर्डर कर दिता, असा दौड़ पे, साडे मोढ़ियां ते चादरां ने चादरां जमीन ते डिगन लग पईआं, असी हाथ अंदर पकड़ लैने आ, फिर मोढ़ियां ते रखने आ, फिर चादरां जमीन ते डिग पईआं, जुतियां दीआं तस्मियां तस्मे टुटन लग पे, जूतियां दे तस्मे टुटन लग पे, इतने तेज दौड़े, इतने तेज दौड़े, चादरां मिंट मिंट बाद पकड़ते पे, सामदे पे। आका भी जल्दी जल्दी साद बिन मुआज दे घरे पहुंचे, खुद नबी पाक और सहाबा ने मिलके साद बिन मुआज नू गुसल दिते। आमीना दे लाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज मलाइका नु सबकत नहीं ले जान देनी, ये सबकत असा ले जानी है, आज गुसल असा देना है। इत्थे मैं तुहानू सिक्के बंद एक होर रवायत सुनावा, हजरत अबू राफे हदीस दे रावी ने, ओ मियां अज किसे दा फौत हो जाए मौलाना साहब गुसल देंदे ने, असीं कहिए भी इंज करो वोरा साहब गुसल देण, हक बहुता वोरा साहब दा, बाज विचों बाज बोल के आंदे ना ना मैयत नू हाथ ना लाया जे, क्यों रात नू ख्वाब अंदर डरोगे, शैतान ने इंज दी मत मारी है, कोई बंदा नेकी ना कर सके, कोई बंदा नेकी ना करे आखरत ना संवार ले। सुनो नौजवानो बाबियो, आइंदा मेरी तुहाडी मुलाकात होए या ना होए ये अल्लाह पाक बेहतर जानदा है, जे रब ने मेरी तुहाडी मुलाकात करवा दिती आइंदा मुलाकात तक खुदा दी कसम ये तुहानू रवायत याद रहेगी और मैनू याद करोगे। नबी पाक दा कैसा खूबसूरत फरमान है, जेड़ा बंदा मैयत नू गुसल देंदा है सिक्के बंद रवायत हवाले दा मैं जिम्मेदार हां, एक मरतबा जेड़ा मैयत नू गुसल देंदा है, एक मरतबा मैयत नू गुसल देंदा है, गुसल देण वाले ते अल्लाह पाक इतना राजी हुंदा है, इतना राजी हुंदा है, इतना राजी हुंदा है, आसमान तू अल्लाह पाक 40 मरतबा ऐलान कर दे ने मैयत नो गुसल देन वाले आ, जा मैं रब तेरे तेरा सिया, मैयत नो गुसल देन वाले आ, जा मैं रब ने तेनू मुआफ कीता, जा मैं तेरे ते राजी, जा मैं तेनू मुआफ कीता, 40 मरतबा मुआफी दा ऐलान हो जांदा है। आमीना दे लाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा बंदा किसे नू कफन पहना देवे, जेड़ा बंदा किसे नू कफन लै देवे, खुदा दी कसम रब इतना राजी हुंदे इस बंदे नू बदले अंदर जन्नत भी अता कर देवेगा, जन्नत दियां पोशाकां अल्लाह पाक पहना देवेगा। ते जेड़ा बंदा कबर खोदे कबर अंदर मैयत नू उतार के मट्टी पा देवे, इतना बड़ा अजरो सवाब है, इतना बड़ा अजरो सवावे, कबर खोदना इतनी बड़ी नेकी, गोया के कोई बंदा एक मकान बना के अल्लाह दी रजा ली किसे गरीब बंदे नू कयामत तक तोहफे अंदर दे देंदा होए, इतनी बड़ी सआदत और नेकी। साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला नूं गुसल दिता गया, रवायात अंदर आउंदा बाज मुनाफकां ने जदों जनाजा चुकिया गया, मुनाफक कहन लगे जनाजे दा ते वजन ही नहीं, नेकियां दा वजन हुंदा है, वजन ही नहीं, आसमान तू जिब्राईल मेरे आका दे कोल आए ने, मेरे आका फरमांदे ने सहाबियो जिब्राईल दस रहे हैं आज आसमान तू नूरी मलाइका आए ने, उन्हां साद बिन मुआज दी चार भाई कंधा दिता होया है, फरिश्तियां ने कंधा दिता होया है, इत्थे ही बस नहीं, नबी पाक फरमाते ने जिब्राइल दस रहे हैं 70,000 नूरी मलाइका साद बिन मुआज दे जनाजे अंदर आए ने, ओ फरिश्ते आए ने जिहड़े अज तू पहला कदे भी दुनिया ते नहीं आए, साद बिन मुआज दा जनाजा पढ़न लई हक्का तो काते ही वला तमूतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सियाणे आंदे ने जैसा करोगे वैसा, अच्छाई दा बदला अच्छाई नल मिलेगा, बुरे काम दा अंजाम नतीजा बुरा है,
होश कर बंदिया छड़ दे नदानिया तेरिया ही कीतिया तेरे अगे आनिया होश कर बंदे साथियों ते तेरिया ने साथ नहीं निभावना कल्ला इत्थे आया ते कल्ला इत्थो जावना रात भी नी रखना फिर तेरे दिल जानिया तेरिया ही कीतिया तेरे अगे आनिया होश कर बंदे हजरात में अर्ज करना चाहना आओ अल्लाह पाक नू राजी कर लईए आखरत की फिक्र कर लईए आखरत की तैयारी कर लईए। नबी पाक फरमांदे ने बरा बिन आज़िब वाली रवायत दा दूसरा पहलू मेरे आका फरमांदे ने जदू कोई बागी ना फरमान दुनिया तू जान लगदा है आसमान तू जहन्नम दे फरिश्ते कालियां शक्लां वाले काले लिबास वाले जहन्नम दे टाट लेके आ जांदे ने। इधर मलकुल मौत इस बंदे दी रूह कटदा है रूह किवें कड्डी जांदी है आका फरमांदे ने नबी पाक ने मिसाल दित्ती लोहे दी सलाई दे उपर गोशत नू चढ़ा लो जिवें तिक्के कबाब बनांदे हो फिर सलाई नू पकड़ के गोशत विचों खिंचदे हो इंज बेईमान मुशरक ते ना फरमान बागी दी रूह नू इंज निकालिया जांदा है या मलमल दा कपड़ा होए हजरात कंडियां वाले टिंगर छापे ते सुट दियो कपड़े नू खिंचो लीरो लीर हो जांदा है। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने बागी ना फरमान दी इंज करके रूह नू कटिया जांदा है इंदी रूह विचू गंदी मुर्दार मरे होए जानवर नालू गंदी बदबू आ रही हुंदी है। अस्तगफिरुल्लाह जहन्नम दे फरिश्ते फौरन इंदी रूह नू गंदी रूह नू जहन्नम दे टाट अंदर लपेट के तुर पैंदे ने। रस्ते अंदर फरिश्ते पुछदे ने गंदियां बदबू आ रही ए कौन है दस्या जांदा फलां बिन फलां बेईमान है ओ बंदा जिहड़ा सारी जिंदगी अल्लाह रों दे रसूल दियां बगावतां ना फरमानी दे अंदर वक्त गुजारदा रहा। खुदा दी कसम लोगो मेरे कोल इतना लंबा टाइम नहीं मैं सारी गल तफसील ना बयान करा। आसमान दे दरवाजे बंद कर दिते जांदे ने कुरान आंदा है इस बेईमान वास्ते दरवाजे बंद ने जिस तरह ऊंट नूं सुई दे नक्के विचों लंघाना नामुमकिन है इसे तरह आसमान दे दरवाजे जन्नत दे दरवाजे इंदे लई खुलना नामुमकिन है। कुरान आंदा जदों इह बेईमान मरदा है आसमान तों फरिश्ते डांगां ते दुर्रे कोड़े लैके आ जांदे ने इंदी कंड ते तुर्रे वजदे ने इंदे चेड़ियां चेहरे ते तुर्रे ते कोड़े वजदे ने इंज करके रूह नू कढ लिया जांदा है। आसमान दे दरवाजे बंद नबी पाक फरमांदे ने इंदी रूह नू जमीन ते फेंक दिता जांदा है सिज्जीन अंदर इनू कैद कर दिता जांदा है। सिज्जीन की है हजरा सब तू नीचे वाली जमीन है इस गंदी रूह नू उत्थे कैद कर दिता जांदा है ये अपना अंजाम देख चुके है अपने घर वाले मैनू दफन ना करया जे दे जल्दी ना करया जे मैनू कब्रस्तान ना ले जाया जे लेकिन लोग कब्रस्तान अंदर दफन करके आंदे ने इनू जिहड़ा पहला अजाब कब्र अंदर मिलेगा इमाम कायनात फरमांदे ने मुनकर नकीर डरावनिया शक्ल अंदर आणगे चेहरे काले होणगे अखां नीलियां होणगियां सर दे बाल पैरां तक लंबे होणगे ए जिहड़े दंद ने पहला ढक्कियां दी तरह बड़े बड़े होणगे जमीन नू कुरेदे आणगे जिवें आसमानी बिजली पड़ाके मार दी है कड़ाके मार दी आवाजां कसदी है इंज आवाजां कसदे आणगे। हजरात गुरजा हाथ अंदर पकड़ियां ने इनू आके पुछया जाएगा तेरा रब कौन है नबी कौन है दीन की है कहेगा हा हा
ला अदरी, हाय मुसीबत हाय अफसोस, मैं जाने ही नहीं, मैं पहचाने ही नहीं, मैनू ते पता ही नहीं। आवाज आएगी इंदा पिछौना जहन्नम दा बना दियो, ओढ़ना जहन्नम दा, जहन्नम विचों एक खिड़की दे ऊपर खोल दियो। इमामे कहना जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक फरिश्ता जड़ा अखा तू नबीना होएगा, कन्ना तू बोला होएगा, जबान तू गूंगा होएगा, इंज दा ए फरिश्ता इंदे ते मुकर्र कर दिता जाएगा। ए लोहे दी गुर्जो थौड़ा लैके खड़ा है, इंदे दो कन्ना दे दरमियान इंदे सर त्यों मारेगा, सर दा रेजा रेजा हो जाएगा, ए थौड़ा दूर गिरेगा, फिर चुक के ले आएगा, दोबारा फिर इंदा सर दुरुस्त हो जाएगा, इंदे सर ते मारेगा, कयामत तक इसे तरह अजाब मिलता रहेगा। आका फरमांदे ने ओ गुरज, अगर बहुत बड़े दुनिया दे पहाड़ ते रख दिती जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, इस गुरज दे नाल इनू कबर अंदर अजाब दिता जाएगा। इमामे कायनात ने अजाबे कबर दियां कई शक्लां बयान कीतियां ने। मुर्शिद पाक फरमांदे ने बड़े बड़े अजदहा देते मुकरर कर दिते जानगे, बड़े बड़े बिच्छू देते मुकरर कर दिते जानगे, कबर सजियों खबियों हट के आएगी, 70 कदम हट के आएगी। नबी पाक ने दोनों हाथों दी उंगलां इंज उंगलां दे अंदर दाखिल करके फरमाया, जिवें उंगलां एक दूजे अंदर दाखिल हो गई, इंज खबियां पसलियां सज्जे पासे, सज्जियां पसलियां खब्बे पासे। ओ कबर मरोड़े जिवें कोलू मरोड़दा, गन्ने दिया हड्डियां जिवें वेलना त्रोड़दा। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कबर, आमीन को। या अल्लाह कबर हशर दियां सख्तियां तू बचा ले, कबर मरोड़े जिवें कोलू मरोड़दा, गन्ने दिया हड्डियां जिवें वेलना त्रोड़दा। सब कुछ तोड़े भन्ने पिछे कुछ नहीं छोड़दा, जे सानू बचावे अल्लाह साईं। एक दिन नबी पाक जा रहे ने, जैद बिन साबित बयान करते ने, बनू नजार दे बाग अंदर पहुंचे, आका दा खच्चर डरन लग पिया, चंद कबरां नजर आई, खच्चर डरन लग पिया। सहाबा नू आका पुछदे ने, भला किंदियां कबरां ने, दसिया गया सोने असी जाने आ, ए बेईमान मुशरक लोग ने, हालत ते शिरक ते बेईमान हो के मरे, उन्हां लोकां दियां कबरां। आका फरमांदे इन्हां कबरां दे अंदर इन्हां नू अजाब हो रहा है, वो अजाब अल्लाह पाक ने मेरे खच्चर नू दिखा दिता, खच्चर वेख के डरी जांदा है। आका फरमांदे ने मेरा दिल कर मैं दुआ करा अल्लाह पाक अजाबे कबर तुहानू अखां नाल विखा देवे, फिर आका फरमांदे मैनू डर लगदा है, अगर तुसी अजाबे कबर देख लिया, अपने मुर्दे कबरां दे अंदर दफन करने छोड़ देवो। ओ मियां अजाबे कबर पर हक है, ए गैबी उमूर अंदर बाद शामिल है, अगर रब किसे नू दिखा देवे, ए हजरात लोगां नू पता चल जाए, फलां ते फलां रिश्तेदार नू अजाबे कबर हो रहे हैं, लोग ताने दे दे के उन्हों मार देन, उन्दी जिंदगी महाल हो जाए, उन्दा जीना मुश्किल हो जाए। इस तरह रब ने इस हजरात ये गैबी उमूर अंदर इस बात को शामिल किया है। मेरे आका ने निशानियां दसियां ने, मेरे आका ने अपने हजरात जबानों इस अजाबे कबर के मुतलक बड़ी वईद फरमाई, और अल्लाह पाक ने हजूर नू मोशाना तौर पर अजाबे कबर दियां कोई शक्लां दिखा दित्तियां। एक मेरे आका दो कबरां कोलों गुजरे, इमामे कायनात फरमांदे ने सहाबियो इन्हां दोहां कबरां वालियां नूं अजाब हो रहा है, दो बड़े गुनाहां दी वजह नाल, एक ते चुगलखोरी, दूजे नंबर ते पेशाब ते छींटियां, तू एहतियात नहीं सन करदे। अज इन्हां कबरां वालियां नूं अजाब हो रहा है। ऐ सुणिया जे जरा ध्यान नाल, बुखारी अंदर लिखे है, आमीना दे लाल जनाब मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सामूरा बयान करते ने फजर की नमाज पढ़ के आका फारग होए, आका फरमाते ने सहाबियो अगर किसी नु ख्वाब आया तो बयान करो मैं तबीर करा। एक दिन सहाबी आंदे ने सोने सानू ते कोई ख्वाब नहीं आया, आका फरमाते ने मैनू ख्वाब आई है रसूलुल्लाह ने अपनी ख्वाब बयान की। नबियां दी ख्वाब एवें नहीं हुंदी, नबियां दी ख्वाब वही होया करदी है। बुखारी अंदर लिखे है आका फरमाते ने आज रात दो आदमी आए ने मैनू उठा के एवे अर्ज़े मुकद्दसा दी तरफ लै गए। अर्ज़े मुकद्दसा तो मुराद फलस्तीन मस्जिद अक्सा इर्दा गिर्द उथे लै गए ने। नबी पाक फरमाते मैं मंजर वेखिया एक बंदा जमीन ते बैठा है, दूजा उन्दे पिछे खड़ा है, लोहे की कुंडी कैंची नमा इंदियां बाछां दे अंदर डाल के गुद्दी तक चीर देंदा है, फिर दूजी बाछ नूं चीर देंदा है, इंदियां बाछां ठीक हो जांदियां फिर दोबारा चीर देंदा है। आका नाल दियां नूं पुछदे ने भई ऐ क्या मंजर है, किस गुनाह की सजा है? दसिया गया सोणियो अगे चलो जरा आगे चलीए बाद अंदर इंदी वजाहत हो जाएगी। मेरे आका अगे गए नबी पाक मंजर वेंदे ने, एक बंदा लेटिया होया दूसरा बंदा वजनी पत्थर चुके इंदे सर ते मारदा है, सर दा कीमा कीमा रेजा रेजा हो जांदा है, पत्थर दूर डिग पैंदा है, पत्थर चुकिया जांदा है, इंदा सर दोबारा ठीक हो जांदा है, फिर दोबारा पत्थर वजदा है। हजरात मेरे आका ने मंजर देखिया, आका फरमांदे ने ऐ कादा अजाब हो रहे है, सोणियो अगे चलीए। मेरे आका ने तीजे नंबर ते तंदूर देखिया, उपरों तंग मूह नीचियों खुला, औरतां भी नंगियां मर्द भी नंगे अग दे अंदर जलते ने पे जिवें तिनके उड़दे ने, इंज नंगियां औरतां ते नंगे मर्द अग दे प्रेशर नाल उड़दे फिरदे ने। जदों किनारे दे करीब जांदे ने आग दा प्रेशर कम हो जांदा है, ये फिर नीचे गिर जांदे ने। आका फरमांदे ने क्या मंजर है, दसिया गया सोणे होके चलो एक खून दी नहर आ जांदी है, एक बंदा खून दी नहर अंदर गोते खा रहे है, ये अजाबे कब्र दियां शक्लां बुखारी अंदर नबी पाक ने बयान कीतियां, ये सही उल बुखारी दी रवायत है। खून दी नहर अंदर बंदा गोते खा रहे है, जदों गोते खांदा किनारे जांदा है, एक बंदा वड्डा पत्थर लैके इंदे मुंह ते मारदा है, ये फिर दोबारा खून दी नहर अंदर गिर जांदा है। अगे एक बाग अंदर दाखिल होए, एक बाबा बैठा है, इंदे दाएं बाएं बच्चे बैठे, इस दरख्त दे उपर चढ़ो, आका दरख्त दे उपर चढ़े, खूबसूरत मकान आ गया, कुछ लोग कुछ औरतां नजर आईया, फिर ऊपर मकान इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लंबी रवायत है, मेरे आका नाल देन आंदे ने भाई तुसा कौन हो, अज रात तुसा बड़ा तुराया फिराया है, अज रात तुसा मैनू बड़े बड़े मंजर दिखाए ने, एक काकी चीज ते कादे अजाब हो रहे ने, क्या मंजर है, तुसा कौन हो? एक बोल के आंदा सुनियो मैं अल्लाह पाक दा भेजा होया फरिश्ता जिब्राईल हां। दूजा बोल के आंदा सुनियो मैं रब दा भेजा होया फरिश्ता मीकाईल हां। एक मीकाईल है दूजा जिब्राईल है, दोनों तारफ कराया, आंदे ने सुनियो आज मंजर दिखाना है, अल्लाह पाक ने साडियां ड्यूटियां लाइया। आका फरमाते ने जिब्राईल जिस बंदे दियां बाछां चीरियां गईयां बंदा कौन? दसिया गया सुनियो झूठ बोलन वाला, एक झूठ बोलता लोग इंदे झूठ नूं दुनिया ते फैला देंदे, झूठा बंदा कज़्ज़ाब बंदा सुबह शाम झूठियां गल करदा, झूठे बंदे नूं अल्लाह पाक ने कयामत तक अजाब दे दिता है। एक फरिश्ता इंदियां बाछां नूं चीरी जांदा है, फिर बाछां दुरुस्त हो जांदियां ने, फिर दोबारा इंदियां बाछां नूं चीरिया गया। आका फरमांदे ने अच्छा दूसरा मंजर जिंदे सर नूं पत्थर नाल रौंदिया गया, दसिया गया सुणियो ये बंदा कुरान सुनदा सी लेकिन अमल नहीं सी करदा, कुरान नूं कंड करन वाला, इन्हें कुरान नाल
जिम्मेदारी नहीं लाई, कुरान ते अमल नहीं किया, ना नफलां अंदर पढ़िया ना फर्जा अंदर पढ़िया। ये कुरान नू कंड करन वाला बंदा, ये अपनी मन मर्जियां करने वाला, आज इंदे सर नू वजनी पत्थर ना कुचलिया जा रहे हैं, और क़यामत तक इंजज़ा मिलेगा। आका फरमांदे ने जेड़ा अग दा तंदूर होंदा मंजर गया, जिब्राईल आंदा सोणियो आग दे तंदूर अंदर नंगियां औरतां नंगे मर्द, एक गंदियां औरतां ते गंदे मर्द, बदकार औरतां बदकार मर्द, जानी मर्द जानी औरतां, नजायज़ ताल्लुक बुराइयां करन वाले बदकारियां बेहयाइयां करन वाले मर्द औरतां, अल्लाह पाक ने इन्हां नूं क़यामत तक वास्ते अज़ाब दे दित्ता है। जहन्नम दे तंदूर अंदर इंजी जलते रहणगे, खून दी नहर वाला मंजर की है। मेरे पाक पैगंबर नूं जिब्राईल आंदा सुणियो, जिहड़ा खून दी नहर वाला मंजर है, खून दे अंदर जिहड़ा गोते खा रहा, यह सूदी कारोबार करन वाला बंदा, सूद लैण वाला, सूद देण वाला, सूदी कारोबार करन वाला, अल्लाह पाक ने क़यामत तक वास्ते इनू खून दे नहर दे अंदर गोते दे दिते ने। जदों किनारे आउंदा है फरिश्ते इहदे चेहरे ते पत्थर मारदे ने, फिर दोबारा खून दी नहर अंदर डिग पैंदा है। आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, मेरे आका फरमांदे ने, ओ बाग दे अंदर बाबा कौन है? दसिया गया ओ बाबा जनाबे इब्राहिम नबी है अलैहि सलाम, दाएं बाएं लोगों दे बच्चे ने, ऊपर जड़ा महल है ओ शहदा दा महल। आका फरमांदे ने ए जड़ा मेरे सर ते महल किंदा सुनियो, ये तुहाडा महल है। आका फरमांदे ने जिब्राइल पिछा हट जाओ, मेरा दिल करदा मैं अपने महल अंदर दाखिल होवां। जिब्राईल आंदा सोने नाना अजे तुहाडी उम्र बाकी है, उम्र पूरी कर आओ, बाद अंदर तुसा इस महल अंदर दाखिल होवोगे। मेरे आका ने ए अज़ाबे कब्र दियां शक्लां बयान कीतियां। अनस बिन मालिक बयान करते ने, जगां दे पीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मंजर मैं ए भी देखिया, लोगां दे नाखुन लोए ते तांबे दे ने अपने चेहरियां नूं चीरी जांदे ने, अपने चेहरिया नूं चीरी जांदे। या अल्लाह ए कादा अजाब हो रहे हैं। हजरात दसिया गया ए दुनिया ते चुगलखोरियां ते गीबतां करन वाले, भाइयां दी इज्जतां ते हमले करन वाले, गीबतां करन वाले आज अपने चेहरिया नूं जिस्म नूं अपने नाखुनां दे नाल नोच रहे ने। दुआ करो अल्लाह पाक कब्र दियां सख्तियां अजाबां तों महफूज कर ले। आमीन को या अल्लाह कब्र हशर दे मुआमलात आसान कर दे, या अल्लाह कब्र दियां सख्तियां तू बचा ले। इत्थे दो तीन जुमले सुनिया दे, कब्र ते इक दिन अंदर कई मरतबा बंदे नूं पुकार दिए, कहिंदी कब्र गाफला वे दुनिया कड़ी दी कड़ी जाया, उमर ना गवावी मौत सर ते घड़ी, कहिंदी कब्र गाफला वे दुनिया कड़ी दी कड़ी जाया, ओ मरना गवावी मौत सर ते खड़ी, नाम मुमन सदावे राज रिश्वतां तू खावे, नाम मुमन सदावे राज रिश्वतां तू खावे, उम्मत नबी दी अखवावे शर्म आवे नजरी, कहिंदी कबर गाफला वे दुनिया कड़ी दी कड़ी, एक दिन आना है वेला होवेगा तेरा मेरा मेला, एक दिन आना है वेला होवेगा तेरा मेरा मेला, एक दिन होनी है अखीर आवेगा बन के फकीर छड़ के दुनिया दी जागीर, जदबा मौत ने बड़ी कहिंदी कबर गाफला वे दुनिया कड़ी दी कड़ी, एथे बैठ नहीं रहना आखर कबर विच पैना, एथे बैठ नहीं रहना आखर मेरे विच पैना, मास कीड़िया ने खाना एडा मान न करी, कहिंदी कबर गाफला वे दुनिया
कड़ी दी कड़ी तेनू बैठ समझावा मेरिया सख्त ने सजावा तेनू बैठ समझावा मेरिया सख्त ने सजावा सत्तर कदम हट के मैं आवा हड्डी छड़ा ना जरी कहिंदी कबरगा फलावे दुनिया कड़ी दी कड़ी। एक सिको हजरात ताबी बयान करता है उरवा बिन जुबैर इनका नाम है रहमहुल्लाह ताला के एक शाह सवार मक्कियों मदीने का सफर तय कर रहा अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान आखो रजी अल्लाह रसी अल्लाह ताला नो दा दौर है एक शाह सवार मक्कियों निकले हैं अरजे नामी वादी अंदर पहुंच गया हजरात गल सुनिया जे इस वादी दे अंदर पहुंचन तू पहले रात दा टाइम है अपनी सवारी ते बैठा है इंदा गुजरे कब्रस्तान दे कोलों उजर होया एक कब्रस्तान दे कोलों गुजरिया एक कब्र फट गई कब्र विचों एक बंदा बाहर निकलिया जिनू हजरात संगल ते बेड़ियां लगियां ने जिस्म विचों आग दे शोले निकलदे ने पे अग लगी हुई ये बंदा कब्र विचों बाहर निकलिया शाह सवार नू आवाज मारदा है अल्लाह वालिया मेरे ते पानी छिड़क दे पानी पिला दे पानी छिड़क दे पिछू एक काली शक्ल वाला बंदा काले लिबास वाला निकल आया उन्हें जंजीरां पकड़िया हुई ने एक हाथ अंदर छड़ी पकड़ी जिन्हों सूलां ते कंडे लगे ने जंजीरां पकड़ के खिंचदा है छड़ी नाल मारदा है शाह सवार नू मुखातब होके खबरदार इंदे ते पानी ना डाली इंदे ते उपर पानी ना पाई ए बेईमान ते मुशरक ते काफर बंदा ए रब दा बागी ना फरमान है। हजरात जड़ा शाह सवार मंजर पेंदा है इस काले चेहरे ते काले लिबास वाले बंदे ने इस जंजीरां खिंचियां इस बंदे नू जड़ा कबर चो निकलिया है खिंच के दोबारा कबर अंदर लै गया कबर चो हजरात ये दोनों गैब हो गए। जड़ा शाह सवार बंदा है नौ जवान दाढ़ी काली चे हजरा सर दे बाल काले असाबे कबर दा मंदर वेख के खुदा दी कसम ये बेहोश हो के अपनी सवारी ते बेहोश हो जांदा है सवारी तुर पई अरजे नामी वादी अंदर पहुंची इधर दिन चढ़ गया सूरज दियां किरणां पईयां सुनिया जे जरातियां नाल उरवा बिन जुबैर बयान कर दे हजरात बिल्कुल सही रवायत है जदों सवेरे सूरज दियां किरणां पईयां इनू होश शाही इंदी दाढ़ी ते सर दे सारे बाल सफेद हो चुके ने और रात जदों बेहोश होया दाढ़ी सर दे बाल काले ने अजाबे कबर दा मंजर अखां नाल वेखिया इस खौफ दी वजह नाल सारी दाढ़ी सफेद हो जांदी है। ए वाकया मदीने अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान दे सामने बयान कीता गया हजरत उस्मान कई कबर दे हालात सुन के जारो कतार रोया कर दे आज ऐलान कर दिता लोगो रात नू कोई कल्ला बंदा सफर तय ना करे रात नू कोई बंदा कल्ला कल्ला सफर ना करे काफले दी शक्ल अंदर जाना है। ये हजरत उस्मान ने ऐलान कर दिता अम्मिया दुआ करो अल्लाह पाक कबर दियां सख्तियां तू बचाए इमामे कायनात फरमांदे ने जेड़ा बंदा सिला रहमी करे रब कबर दियां सख्तियां तू बचा लेगा जेड़ा बंदा रात नू सूरह मुल्क दी तलावत करे सूरह मुल्क दी तलावत करन वाला बंदा जदू कबर अंदर जाएगा सूरह मुल्क ढाल बन जाएगी ढाल बन जाएगी। अल्लाह करे रब्बुल आलमीन सानू इंज दिया माल करन दी तौफीक दे जिंदी वजह नाल कबर दियां सख्तियां तू असां बच जाइए कहो आमीन। हजरात फिर एक वक्त आना है अल्लाह जुल जलाल फरमा रहे ने वनुफी का फिसूर फाइजा हुम मिनल अजदास इला रब्बिहिम यनसिलून इसराफील एक फरिश्ता एक करना बजाएगा फूंकनी सींग नमा आला सूर फूंकेगा सूर दो मरतबा फूंकिया जाना है। आका फरमाते ने पहली मरतबा मेरी तरफ वेखिया जे इसराफील फरिश्ता रब दे अरश दे करीब एक पाँव अगे करके दूजा पाँव पिछा करके अपनी पेशानी झुका के अपने कन्ना दी कौ रब दे आर्डर की तरफ लगा के हाथ अंदर करना पकड़ के
खड़ा है, अल्लाह पाक आर्डर कर देवे ये करना बजाएगा। हजरात जुमे का दिन होना है, हजरात गल सुनिया जे नेक लोग दुनिया तो तुर जान गए, कदे दे मने दे लोग बुराई करनगे, इंज दे लोगां ते कयामत आएगी। बुखारी अंदर लिखे एक बंदा लुकमा मुंह अंदर पाएगा, चबा नहीं सकेगा, कयामत आ जाएगी। इसराफील नूं आर्डर होएगा करना बजा, इन्ना ओ बांसरी ओ करना सिंह बजाना है, आस्ता आस्ता आवाज तेज हुंदी जाएगी। इमाम कायनात फरमांदे ने, आका फरमांदे ने, ये जिहड़े जंगलां दे दरिंदे ने शहरां नूं दौड़ पैणगे, शहर वाले जंगलां नूं दौड़ पैणगे, लोग डिगना शुरू हो जाणगे। ये क्या बन गया, आस्ता आस्ता आवाज तेज हुंदी जाएगी, लोग हलाक हुंदे जा रहे ने, समुंदरां दे अंदर अग्गां लग जाणगियां, बिल्डिंगां गिर जाणगियां, पहाड़ रूई दी तरह उड्डन लग जाणगे, दरख्त हजरात जमीन बोस हो जाणगे, जमीन ते जलजला आ जाएगा, जमीन नूं हिला दिता जाएगा, बड़े बड़े फौलादी पहाड़ जिहड़े आसमान दियां बुलंदियां नूं छू रहे ने, इसराफील दी इक फूंक नाल हजरात रूई बन के उड जाणगे। कयामत बरपा हो जाएगी, सब कुछ फना हो जाणा है, ए शैतान इबलीस नूं वी मौत आ जाएगी। मलकुल मौत अल्लाह पाक दे आर्डर नाल 70,000 फरिश्ते ते बेड़ियां हथकड़ियां लैके शैतान दी रूह कब्ज करन लई दौड़ेगा। शैतान समुंदर अंदर गोते मारे, जंगल अंदर दौड़े, नसे भजेगा, बाबा जी आदम दी कब्र ते चला जाएगा। मलकुल मौत ने शैतान इबलीस नूं उत्थे काबू करके इंदी रूह नूं कढ लेना है, संगला बेड़ियां जहन्नमी बेड़ी अंदर जकड़ लेना है। इमाम कायनात ने फरमाया, लोगो बाबा जी आदम नबी तू लैके क़यामत तक जितने काफर बेईमान लोग फौत होए, जितनी तकलीफ इन्हां लोगां नूं हुंदी है, इतनी तकलीफ कल्ले शैतान बेईमान नूं होएगी, शैतान दी भी रूह कढ ली जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा बयान कर दे, फरमाया फिर 40, ये नहीं किया 40 दिन 40 माह या 40 साल, हजरात महीने दिन सालां दा जिक्र नहीं, सिर्फ 40 दा हिस्सा आया। सवाल करन वाला अबू हुरैरा नूं पुछदा, 40 दिन या 40 महीने? हजरत अबू हुरैरा खामोश, अल्लाह पाक ही बेहतर जानदा है 40 दिनां बाद या 40 महीनियां बाद। फिर दोबारा इसराफील नूं आर्डर होएगा करना बजा दे, करना बजाया जाएगा, हजरात बांसरी अंदर फूंक मारी जाएगी, लोग कब्रां विचों इंज उठ पैणगे, इंज उग पैणगे जिवें बारिश दे बाद सब्जा उगदा है, इन्हां दी कैफियत भी मुख्तलिफ होएगी। हजरात गल सुनिया जे, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग कब्रां चू उठाए जाणगे, तीन ग्रोह, कुछ पैदल होणगे, कुछ सवार, कईआं दीआं लत्तां उतां नूं, सर थल्ले नूं, अपने चेहरियां दे बल तुरदे जा रहे। अम्मा जाना आशा पुछदियां ने, सोहणियो लोग चेहरियां दे बल किवें तुरणगे? फरमाया, जिहड़ा रब लत्तां दे बल चलाणा जाणदा है, उह सर दे बल वी चलाणा जाणदा है। लोग मैदाने माशर दी तरफ जा रहे। इमाम कायनात ने फरमाया, सही मुस्लिम जिवें बंदा मां दे बतन विचों पैदा हुंदा है, इस हालत अंदर कबर चों उठाया जाएगा। मर्द भी नंगे, औरतां भी नंगियां, मर्दां दे खतने नहीं होए, नंगे पैरी नंगे जिस्म इंजी मैदाने माशर नूं जा रहे। अम्मा जाना आशा पुछदियां, सोणियो क्या औरतां भी नंगियां होणगियां? फरमाया, हां आशा, लेकिन किसे जरूरत नहीं होएगी, हर बंदे नूं अपनी पई होएगी, उत्थे कोई किसे दी तरफ नहीं वेखेगा। मेरे आका ने कब्रां चों उठण दीआं कई शकलां बयान कीतीआं। आमीना दे लाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, कुछ लोग डिगदे फिरदे ने, या अल्लाह कौन लोग ने, पागल दीवाने? जवाब आएगा, दुनिया ते सूदी कारोबार करन वाले। कुछ लोकां दीआं शकलां इंसानां जैसियां, कद कीड़ियां ते चींटियां जैसा। अल्लाह मेरी तौबा, लोगां दे पैरां थले रोंदे जाणगे, पैरां थले मसले जाणगे, इन्हां दीआं शकलां इंसानां जैसियां, कद चिउड़ी
चिंटियां कीड़िया जैसा। या अल्लाह बंदे कौन ने? जवाब आएगा दुनिया ते गुरूर ते तकबर करन वाले। आज चिंटियां दे कद जितना कद दे के इन्हां नूं कबरां च उठाया गया। कई लोग अखां तो अन्ने होणगे। या अल्लाह कौन ने? अन्ने खुद कहणगे या अल्लाह सी ते विन्ने सां। जवाब आएगा सूरा ताहा दे अंदर इन्हां दा जिक्र है। ए रब दी औत तू गाफल, रब दे जिक्र कुरान तू मुंह फेरन वाले। दुनिया ते रब ने मईशत तंग कर दिती कि मैं तेनू अन्नियां करके उठाना है। कुछ लोगों दियां शक्लां बांदरां दी तरह। या अल्लाह कौन ने? जवाब आएगा दुनिया ते शरारतां चुगलखोरियां करने वाले। कईयां दे गले अंदर जमीना दे तौक, जमीना इन्हां दे गले अंदर। या अल्लाह बद नसीब बंदे कौन ने? जवाब आएगा दुनिया ते पलाटां ते कब्जे करने वाले। बन्ने छांक छांक के जमीना वधाण वाले, जमीना ते कब्जे, पलाटां ते कब्जे, जायदादां ते कब्जा करन वाले माफिया ग्रुप। मैनू अल्लाह पाक दी इज्जत दी कसम है, इस जमीना दे तौक इन्हां दे गले अंदर होणगे। एक रवायत अंदर आउंदा है किसे बंदे ने एक बलिश्त किसे दी जमीन ते कब्जा कीता। अल्लाह पाक फरमाणगे चल सत्ते जमीना दियां तैवां तक गड़ा खोद। गड़ा खोद के उस जमीन दा टुकड़ा चुकें दे गले अंदर पा दिता जाएगा। कुछ लोग इन्हां दे गचे गले अंदर लोहे दियां तख्तियां ने गर्म करके दागिया जाएगा। कौन? ये बदयानत लोग ने, सरकारी खजानियां ते कब्जे करने वाले, बदयानती करने वाले। कुछ लोगों नूं सोने चांदी नाल गर्म करके दागिया जाएगा। या अल्लाह कौन लोग ने? जवाब आएगा ये दुनिया ते ज़कात नहीं सन देंदे, ये बद नसीब बंदे। इमामे कायनात जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरात जदू कब्र विच उठाया जाना है मुख्तलिफ कफीतां ते शक्लां बयान कीतियां। आका फरमांदे कुछ लोग कब्रों च उठाए गए अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अजानां देंदे उठाए जाणगे। या अल्लाह ऐ खुश नसीब बंदे कौन ने? जवाब आएगा दुनिया ते अजाना देण वाले मुअज्जिन आज कब्रों च उठाए गए अजाना दिन दी उठाए गए। इत्थे ही बस नहीं, आका फरमांदे मैदाने माशर अंदर इन्हां मुअज्जिनां दियां गर्दनां नूं रब उच्चियां कर देवेगा। कुछ लोगां दे चेहरे हाथ पांव चमकदे होणगे। या अल्लाह कौन लोग ने? जवाब आएगा वजू करके नमाजां पढ़न वाले, नमाजां दी पाबंदी करन वाले चेहरे चमकदे पे। हजरात गल सुनिया जे अल्लाह पाक कई लोग कब्रां च उठाए जाणगे। लबैक लबैक अल्लाहुम्मा लबैक शरीक लग लबैक। या अल्लाह कौन लोग ने? जवाब आएगा हज उमरा करदिया मर गए, इस अंदाज अंदर उठ पे आज तलबिया पढ़ रहे ने, लबैक पढ़ते ने पे। हजरात अल्लाह करे रब सानू उन्हां लोकां दी लिस्ट अंदर शामिल करे जिन्हां नूं रब ने कियामत वाले दिन शाना देनी है। आमीन को आवाज आएगी वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, मुजरमों अलैदा हो जाओ। शराबी शराबियां नाल आउणगे, डाकू डाकुआं नाल आउणगे, जानी जानियां नाल आउणगे, चोर चोरां नाल आउणगे, बेनमाज बेनमाजां नाल होणगे, सूदी सूदियां नाल होणगे, लोगां दियां गुरुआं शकलां हजरात अलैदा अलैदा ग्रुप बन जाणगे। प्यारिओ अगर मैं इत्थों मैदाने माशर ते फिर हिसाब किताब बयान करा, मैनू अजे 2-2.5 घंटे और चाहिए ने, लेकिन मैं आखिरी बात करके तुहाडे कोल इजाजत लैन लगा। 50,000 साल दा दिन होणा है, खुदा दी कसम भूख ते प्यास ने बंदियां नूं लम्मिया कर देना है, भुख ते प्यास ने बेचैन कर देना है। नफसो नफसी दा आलम लोग पसीने अंदर शराबूर, इत्थे दुनिया ते 9,30,00,000 मील दूर सूरज ते सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं, उते सूरज सवाने देते। 50,000 साल का दिन होना है। प्यारे हो मुद्दे सी नांदे ने हजरत बाबा आदम नबी तू लैके अज तक अजे 50,000 साल नहीं होए, अजे नहीं होए। बाज आंदे ने अजे ते 25-30 दे कम करीब ही कम नहीं पहुंचया। इमामे कायनात जदों दुनिया तू गए 1444 साल गल बन
1444 अजे 1450 साल 1414 साल 100 साल भी नहीं होए यानी 1500 भी नहीं होया ते जरा सोचो आका फरमाते ने मेरी उम्मत दी उम्र औसतन 60 to 70 या 40 to 60 ए दो रवायता ने अमिया 60 to 70 साल कोई कोई मेरे आका फरमाते ने 60-70 नालू उपर जाएगा सुनिया जे ध्यान नाल मेरी तेरी उम्र आ जाके खिच तू के 60-70 नू पहुंच ही जाइए मैदाने माशर 50,000 साल दा दिन ने प्यारे हो मैनू बोल के दसो 50,000 साल दे बराबर दिन दे मुतलक गल सुन रहे हो अज साडी उम्रां दी क्या हैसियत 40-50-70-80-90 भी होए 90 साल की क्या हैसीयत है 50,000 साल का दिन खुदा की कसम भुख प्यास जिसम ते लिबास कोई नहीं पैरों भी नंगे सूरज आ गर्मी बघेरिया कोई टीला नहीं कोई साया नहीं रब दे अरश तो इलावा सुनिया जे ध्यान नाल अल्लाह करे रब्बुल आलमीन कबर हशर दियां सख्तियां रुसवाइयां तू सानू बचा ले आमीन को कबर हशर दियां रुसवाइयां तू अल्लाह पाक बचा ले फिर कहो आमीन इस जग विच बंदिया परौणा तू आया परौणियां नू जाना पैंदा इत्थे किसे भी नहीं पक्का डेरा लाया परौणियां नू जाना पैंदा कंधा दे के तैनू टोरना जहान ने मिट्टी थले आना तेरी इस उच्ची शान ने तेरे अमला तेरे अमला ने रहना बकाया परौणियां नू जाना पैंदा परौणियां नू जाना पैंदा पुछो ना मावां नू उन्हां मावां दा की हाल तुर गया जिन्हां कोलों सोहना प्यारा लाले उन्हां मावां इना मावा भी दुख सीने लाया परौणियां नू जाना पैंदा कल वारस कवरास दे आपस विच लड़दे वेखे मैं गल पगू हत्ती एक दूजे नू दौड़ों फड़दे वेखे मैं एक आंदा टोए टिब्बे तेरे ने पद्धर धरती मेरी आ दूजां दा पद्धर धरती मेरी आ ए टोए टिब्बे तेरे ने धरती ने क्या फकीर ओए ए दोवें बंदे विच हनेरे ने ना मैं इंदियां ना मैं इंदियां ए दोवें बंदे मेरे ने इस जग विच बंदे आ परौणा तू आया परौणियां नू जाना पैंदा इत्थे किसे भी नहीं पक्का डेरा लाया परौणियां नू जाना पैंदा मीम मौत दियां हवा वगी लोगो वसदे शहर वीरान हो गए उल्लू बोलदे ने सुंजियां बैठकां ते खाली बंदियां बाज मकान हो गए जिन्हां बागां दे गए ने टुर माली ओ सुक के ढिंगरां वांग हो गए जिन्हां दे पुत नहीं जहान उते गुम उन्हां दे नामो निशान हो गए इस जग विच बंदिया परौणा तू आया परौणियां नू जाना पैंदा मिट्टी दे खिड़ौने वांगू बंदिया तेरी कहानी
जानी, पता नहीं किस मोड़ ते घेड़ मुक जानी। इस जग विच बंदे आ परौना है तू आया, परौनियां नू जाना पैंदा है, परौनियां नू जाना पैंदा। इत्थे किसे भी नहीं पक्का डेरा लाया, परौनियां नू जाना पैंदा। इंशाल्लाह जी हुंदे रहे। रब ने मौका दिता ते मैदाने माशर, माशर दा नक्शा और फिर हिसाबो किताब, फिर जन्नत और जहन्नम। इस हवाले नाल इंशाल्लाह फिर इत्थों ही गल शुरू करके अगला हिस्सा बयान करांगे। अल्लाह पाक मेरी तुहाडी हाजरी कबूल फरमाए। खतीबे इस्लाम मौलाना हाफिज इनाम उल्ला उस्मानी साहब तशरीफ काफ़ी देर तो ले आए ने, ते अल्लाह पाक उन्हां दा आना कबूल फरमाए। भाई मुहम्मद यासीन साहब हाजी साहब अल्लाह पाक इन्हां फिर लै जाए हज उमरे वास्ते। भाई यहिया साहब ये मुहब्बत करते ने, अल्लाह पाक मैनू भी तौफीक दिंदा है कि मैं इन्हां दी ज़ियारत वास्ते वादा पूरा करन लई आ जाना। अल्लाह पाक हमेशा वादा वफा करन दी तौफीक दे, आमीन। को ऐ मोहतर मौलाना खलीलुर रहमान दियो दियो समझदे हो, ओ दियो नहीं जिहड़ा तुसी समझ रहे हो, ये दियो जट है। मैं भी ओही पहले समझे, मैं कहा दियो, कहिंदा नहीं जी जट आ। ये दियो साहब 6 मार्च नूं सालाना कॉन्फ्रेंस करा रहे ने हाफिज इनामुल्ला उस्मानी साहब दा, उत्थे शाह तों बाद पहला खिताब होना जी, अज दूजा उत्थे पहला होएगा, ठीक है जी। ते कारी अहमद हसन साजद साहब उमरे ते गए हुए ने, अल्लाह पाक उस भाई नूं खैरोफियत नाल ले आए, इल्मो अमल अंदर बरकता अता फरमाए। बुलबुले कुरान कारी अहमद हसन साजद साहब, शेरे पंजाब हजरत मौलाना मंजूर साहब इंशाल्लाह, और बंदा ना चीज़ मैं भी हाजिर होवांगा इंशाल्लाह। 6 मार्च नूं भाई खलीलुर रहमान कोल मुंडा पिंड आओगे ना इंशाल्लाह। दो जुमले ने, एक भरा ने पर्ची लिखी है, कितने बंदा रोस ना जाए, दो कु जुमले मैं पढ़ देना, बस ओ ही पढ़न लगे जी। अल्लाह करे रब्बुल आलमीन जिन्हां दे मां बाप जीउंदे रब खिदमत दी तौफीक दे। बारिश तेज हवा ते बदल सब दी अपनी अपनी थां हुंदी है, धुप भावें चंगी लगे छां ते आखर छां हुंदी है। बैन भिरा अब्बा पुत्र सारे रिश्ते वधिया ने, पूरी दुनिया घूम के वेखो मां ते आखर मां हुंदी है। बच्चियां दी टेंशन ले लेके हो जांदी है शुगर मावां नूं, पुत्रां दी टेंशन ले लेके हो जांदी है शुगर मावां नूं, धीआं दी टेंशन ले लेके हो जांदी है शुगर मावां नूं, पुत्र जब तक घर नहीं आउंदा मां तक दी रहिंदी रावां नूं, मां तक दी रहिंदी रावां नूं, मां तक दी रहिंदी रावां नूं। बच्चियां दी टेंशन ले लेके हो जांदी है शुगर मावां नूं, तू जिस दम मां नूं छोड़ दिता दिल बुढ़ी मां दा तोड़ दिता, तू जिस दम मां नूं छोड़ दिता दिल बुढ़ी मां दा तोड़ दिता। तेरी मां बड़ी दुखियारी है, तेरी मां बड़ी दुखियारी है, ना तंग कर इंदियां सावां नूं, ना तंग कर मां दियां सावां नूं, ना तंग कर मां दियां सावां नूं। बच्चियां दी टेंशन ले लैके हो जांदी है शुगर मावां नूं, मावां वरगा जगते कोई नहीं होर मियां, नहीं ते पुछ उना नूं जेड़े बैठे ने मावां टोर मियां। मां मरे ते पुत्र कल्ले हो जांदे ने, मां मरे ते पुत्र कल्ले हो
जांदे कई वेखे ने रो रो झले हो जांदे है खुश किस्मत मापे जिन्हां दे कोल मियां नहीं ते बोझो उन्हां नूं जेड़े बैठे ने मावां टोर मिया मां मरे ते लागे कोई नहीं बैंदा मावा बाजू लुक लुक रोना पैंदा लंघदी है बाकी सारी जिंदगी बोर मियां नहीं ते बोझो उन्हां नूं जेड़े बैठे ने मावां टोर मियां पढ़ो रब्बिर हम हुमा कमार अब्बा या ने सगीरा या अल्लाह जिन्हां दी अम्मी अबू फौत हो गए कबरां नूं जन्नत दे बाग बना दे आखरत दी मंजिलां आसान फरमा दे भाई खलील रहमान दे वालदैन नूं या अल्लाह मुआफ़ कर दे दराजात बुलंद फरमा जिन्हां दे जीउंदे ने औलाद नूं वालदैन दा खिदमत करन वाला बना भाई हाजी मुहम्मद यहिया साहब मौलाना सैयद अब्दुल गनी शाह साहब भाई उमर फारूक साहब और मोहतरम हाजी यासीन सारे पिंड वाले इंतजामिया नमाजी मुआविनीन बेटियां बहना जिथों तक आवाज जा रही या अल्लाह सबना दिया नेक हाजात पूरियां फरमा सबना ते राजी हो जा असा गुनेगार हाँ या अल्लाह खताकार ना सानू मुआफ़ कर दे सानू साड़ी औलाद नू साड़े माँ बाप नू साड़ियां खवातीन सबना नू पक्का सच्चा नमाजी बना या अल्लाह सानू साड़ियाँ खवातीन अबाऊ अजदाद सबना नू बगैर हिसाबों किताबों जन्नत अता कर दे आमीन व आखिरु दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया। जनाब इस्माइल अतीक साहब जो कि बड़े ही प्यारे अंदाज नाल फिक्र आखरत बयान कर रहे सन गए मैं उम्मीद है कि इन्हों का अंदाज अपना के इन्हों का अंदाज सुन के इन्हों के इस अंदाज को समझ के सवेरे फजर वाले भी इदा ही होवे आप इंशाल्लाह नहीं ना हो जलसा सुनया है तो चाड़े लीड़े तो घरों तो बहरहाल हर बंदा मेरे समेत आई तो बाद वादा करे अहाता करे अपना कि इंशाल्लाह जिंदगी चेंज करना है।